नमस्कार, कंचन खाना खजाना में आपका आज फिर से स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे धनिया का परांठा, जो कि धनिया डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप परांठा खाना चाहते हैं तो तुरंत धनिया उठाइए, प्याज काटिए, हरी मिर्च काटिए और परांठा बना करके स्वादिष्ट खाइए। तो देखिए, ये हमने धनिया लिया है, स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। ये कटे हुए प्याज बहुत छोटे छोटे काटे हैं, चॉप किए हुए, और ये हरी मिर्ची। अब इसमें हल्का सा नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार, जीरा पिसा हुआ, और ये दो चुटकी चाट मसाला, और हल्की सी, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है, मिर्च हम बहुत कम डालेंगे। अब ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। लीजिए आटा, जो हमने 10 मिनट पहले गूंथ के रखा था, देखिए बहुत ही सॉफ्ट एकदम पराठे वाला आटा तैयार हो गया है। अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। लीजिए सूखा आटा लगाते हुए बहुत ही छोटा सा बनाएंगे और उसके अंदर हम स्टफिंग भर देंगे। ये जो हमने धनिया की स्टफिंग बनाई है, पहले इसके अंदर आप देसी घी लगाएं, रिफाइंड लगाएं या फिर डालडा, मैं देसी घी का ही पराठा तैयार कर रही हूं। ये देखिए, इसके अंदर स्टफिंग इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे दोनों कोनों को मिलाते हुए। ये चीज ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब हम इसको पूरी तरह से दबा करके, ताकि स्टफिंग जो है पूरे पराठे में फैल जाए। लीजिए फिर से हम इसको सूखा आटा लगाएंगे और बेल लेंगे। लीजिए बहुत ही हल्के हाथों से बेल रहे हैं कि हमारी स्टफिंग बाहर ना आ जाए। तवा हमारा गर्म हो गया है। लीजिए हल्का सा तवे पे घी लगाते हुए, बिल्कुल थोड़ा सा, और लीजिए अब हम परांठा डाल देते। लीजिए इसी तरह से दूसरा पराठा बनाते हुए फिर से वही प्रोसेस करेंगे, बहुत कम बेलेंगे इसको और इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। ये बदल देते हैं। देसी घी हमने लगा दिया है, इसमें स्टफिंग तैयार भर लेते हैं। ये लीजिए, आप चाहें कम स्टफिंग भी भर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हल्के हाथों से बेलते हुए लीजिए परांठा हमारा सिक गया है, उल्टा लिया है। अब हमने अच्छे से देसी घी लगाएंगे, थोड़ी सी धीमी आंच कर लिया करें बीच में, ताकि हमारा परांठा जले नहीं। लीजिए परांठा हमारा बिल्कुल रेडी है, प्लेट में उतार लेंगे। लीजिए परांठा पूरी तरह से सिक चुका है। लीजिए प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हल्के हाथ से बेलने के बाद भी अगर आपको लगे आपका पराठा चिपक गया है, तो ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से हाथ के ऊपर उठा सकते हैं और पराठे को यहाँ डाल सकते हैं। लीजिए हमारा दूसरा परांठा भी तैयार हो गया है, इस पर भी अच्छी तरह से घी लगा लेते हैं। ये लीजिए स्वादिष्ट परांठे, धनिया के और प्याज के, आप हरी मिर्च डालें, ऑप्शनली है हरी मिर्च। ये लीजिए
प्लेट में उतार लेते हैं। ये जी परांठे रेडी हो गए। धनिया डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही पेट के लिए लीवर के लिए बहुत ही अच्छा डाइजेशन वाला परांठा हमने तैयार किया है। आप इसे दही के साथ, चाय के साथ, रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ और कोई अचार के साथ जैसे भी खाएं, और ऐसे भी आप इसे रोल करके खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी बनाई हुई चीजें पसंद आ रही हैं, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।